गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, रसगुल्लों का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है और यही लाजवाब रसगुल्ले अगर घर पर बन जाए तो कहने ही क्या। तो इसलिए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी मार्केट जैसे रसगुल्ले बनाने की आसान विधि। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ लिया है 1 लीटर गाय का दूध। गाय के दूध से जो छेना होता है ना, वो बहुत अच्छा बनता है हमारा। तो इसे मैंने मीडियम फ्लेम पर अच्छे से गरम कर लिया है और इसे हमें जब हम इसे गरम करने चढ़ाएंगे तो हम इसे बीच में चलाते रहेंगे जो ताकि जो दूध है हमारा वो बिल्कुल भी नीचे चिपके ना। तो इसे मैंने छेना बनाने के लिए मैंने यहाँ पर किसी विनेगर का या सिट्रिक एसिड का यूज़ ना करते हुए मैंने यहाँ नींबू का रस लिया है। नींबू को अच्छे से छलनी से छान लिया है मैंने ताकि उसके रेशेज जो है दूध में ना जाए। अगर इसके रेशेज दूध में जाएंगे तो वो मुंह में आएंगे। यहाँ हमारा दूध गर्म हो चुका है, एक उबाल आ चुका है। अब इसे मैं बंद कर दूंगी, 5 से 10 मिनट इसे रखेंगे। तो जितना हमारा नींबू का रस होगा उतना ही उसके अंदर हम थोड़ा गर्म पानी ऐड करेंगे और दूध को फाड़ने के लिए हमें नींबू का रस थोड़ा थोड़ा उसके अंदर डालना है, एक साथ हमें उसके अंदर नहीं डालना है और हल्के हल्के चलाते रहना है उसे। अब हम गैस ऑन कर लेंगे और इसे हम हल्के हल्के हाथों से चलाते रहेंगे और थोड़ा थोड़ा नींबू का रस इसमें ऐड करते रहेंगे, नहीं तो हमारा छेना बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा अगर हम एकदम से उसमें ऐड कर देंगे सर। इसे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इसे चलाना है हमें। तो दूध फटना स्टार्ट हो गया है, ये देखिए। अब हम इसके अंदर एक उबाल लाने के बाद छोड़ेंगे इसे ताकि छेना अच्छे से बनकर तैयार हो जाए। तो देखिए उबाल आ चुका है। तो मैंने यहाँ एक बड़ा बर्तन लिया है और उसमें मैंने छलनी पर एक कॉटन का कपड़ा ले लिया है और उसमें मैं छेने को छान लूँगी। कॉटन का कपड़ा यूज़ करें यहाँ पर ताकि जो छेना वो अच्छे से छन जाए, जो उसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो अच्छे से छन जाए। अब इसे मैं चारों तरफ से पकड़कर अच्छे से प्रेस कर दूंगी कि इसमें थोड़ा बहुत भी पानी ना रहे। अगर पानी रहेगा तो वो मतलब अच्छे नहीं बनेगा, जो आप रसगुल्ले होते हैं तो वो अच्छे नहीं बनेंगे, मार्केट वाले जैसे नहीं बनेंगे। तो देखिए छेना तैयार हो जाए। अब इसे मैं 2 से 3 गिलास ठंडे पानी से अच्छे से धो लूँगी ताकि जो नींबू के रस की जो स्मेल है वो चली जाए। नहीं तो क्या होता है, अगर हम ये स्टेप छोड़ देंगे तो नींबू का रस की स्मेल जब आप रसगुल्ले खाएंगे तो उसके अंदर आएगी। तो यहाँ हमें इसे धोना है अच्छे से और उसे फिर वापस से निचोड़ लेना है। इसे ज़्यादा प्रेस करके नहीं करें, बस हल्के हाथों से ही इसका जो एक्स्ट्रा पानी है आप उसे निकाल दीजिए। अब मैं इसे चारों कॉर्नर से बांधकर इसे 1/2 आवर के लिए लटकाकर छोड़ दूंगी। तो यहाँ मैंने चाशनी बनाने के लिए ली है 250 ग्राम चीनी। डेढ़ ग्लास पानी। हमें चाशनी को ज़्यादा गर्म नहीं करना है, हमें इसमें जब उबाल आ जाए उतना ही गर्म करना है इसे। इसे हल्का सा चला लें हम। जैसे ही हमारी चाशनी गर्म हो जाती है हम इसे गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर छेना बनकर तैयार हो चुका है। देखिए अभी ये दानेदार है तो इसे परफेक्ट छेना बनाने के लिए हमें इसकी खूब मालिश करनी पड़ेगी, इसे खूब चलाना पड़ेगा अच्छे से हाथों से रगड़ रगड़ के। हम इसे सॉफ्ट बनाएंगे। अब इसमें मैंने 1 चम्मच मैदा लिया है जिससे कि हमारे रसगुल्ले टूटे नहीं, बाइंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी इसकी। तो क्रैक बिल्कुल नहीं होना चाहिए रसगुल्ले बनाने के लिए और हमें अपने हाथ के कॉर्नर पॉइंट से अच्छे से इसे प्रेस कर करके इसे चलाना है। आप देख सकते हैं मैं कैसे इसे प्रेस कर रही हूँ, आप ही सेम स्टेप आपको करना है। हमारा छेना जितना सॉफ्ट और स्मूथ होगा
तो रसगुल्ले उतने ही स्पॉन्जी और टेस्टी बनेंगे। तो ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी है इसके अंदर कि आपको इसे सॉफ्ट और स्मूथ करना पड़ेगा। जैसे हम आटा लगाते हैं ना, बस वही प्रोसेस है इसके अंदर। आपको यही देखना है, जब ये बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएगा ना छेना, तब ये आपके ना तो हाथ पे चिपकेगा और ना ही ये बर्तन पर चिपकेगा। बिल्कुल एकदम सॉफ्ट सा डो बनकर तैयार हो जाएगा इसका। तो यहाँ मेरा डो बनकर तैयार हो गया है। अब इसे मैं दोनों हाथों से प्रेस करके अच्छे से इसकी बॉल बना लूँगी, ताकि इसमें कोई भी क्रैक नहीं रहे। और ये देखो, बिल्कुल भी हाथों पे चिपक नहीं रहा है। आपको इस स्टेप पे ये ध्यान रखना है कि इसमें कोई भी क्रैक नहीं होना चाहिए, नहीं तो जब हम रसगुल्ले इस छेने को ऐड करेंगे पानी, चाशनी के पानी के अंदर, तब ये फूट जाएंगे और अच्छे से नहीं बनेंगे। मैंने यहाँ थोड़े बड़े साइज में लिए, क्योंकि जितने ये दिख रहे हैं ना, उसके ये डबल हो जाते हैं जब इनको हम पानी में उबालते हैं। तो आप इनके वो छोटे रसगुल्ले भी बना सकते हैं, चमचम जिन्हें बोलते हैं। तो यहाँ पर मेरे बॉल्स बनकर तैयार हो चुकी है और चीनी का पानी भी गर्म हो चुका है यहाँ पर, तो इसमें मैं एक उबाल ले आती हूँ। यहाँ पर आप पानी की क्वांटिटी ध्यान रखनी है, जितनी चीनी ली है उसके बराबर ही हमें पानी लेना है यहाँ पर। तो यहाँ मैंने केसर यूज में लिया, आप चाहे तो इलायची पाउडर, इलायची भी यूज में ले सकते हैं। मुझे केसर का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने यहाँ केसर ही यूज में ली है। तो पानी में उबाल आ चुका है, अब मैं जो छेना बॉल्स है वो इसके अंदर ऐड कर दूंगी। आपको सारी एक साथ ऐड नहीं करनी है, आपको एक एक करके इसके अंदर ऐड करनी है, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होती है तो कहीं टूट नहीं जाए। इतनी अच्छी गोल मटोल लग रही है ये इसके अंदर। अब इसे मैं 10 से 15 मिनट के लिए ढककर अच्छे से पका लूंगी, मीडियम फ्लेम के ऊपर ही पकाने से। देखिए ये हो गई है ना, ये साइज में एकदम डबल। और इन्हें हल्के हाथों से इनकी साइड चेंज कर देनी है। अगर आप मतलब एकदम से सबको छेड़ेंगे तो ये अभी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहते हैं तो ये टूट जाएंगी। तो आपको हल्के हल्के हाथों से इनकी साइड चेंज करनी है। अब इसे मैं 5 मिनट के लिए खुले में ही पकाऊंगी। और आप इन्हें बीच बीच में चलाकर इनकी साइड चेंज करते रहिए। केसर का ना इसमें फ्लेवर आता है, जब आप इसे खाएंगे तब आपको वो चीज़ पता चलेगी कि जो इसका रस होता है उसमें जो फ्लेवर रहता है। देखिए ये साइज में बिल्कुल डबल हो चुका है। अभी मेरे रसगुल्ले बन चुके हैं, अब इसे मैं एक बाउल में निकाल लूंगी ठंडा कर। और जो ये चीनी की चाशनी है इसे भी मैं उसमें ही डाल दूंगी, ताकि ये इसके अंदर जब रहे 4 से 5 घंटे तक, इसे हमें बाहर ही रखना है, रेफ्रिजरेट नहीं करना है, ताकि ये अच्छे से फूल जाए। अगर आप इसे बिना चाशनी के रखेंगे तो ये चिपक जाएंगे, अच्छे नहीं बनेंगे। तो देखिए कितने अच्छे स्पॉन्जी रसगुल्ले बनकर तैयार हुए हैं, बिल्कुल मार्केट जैसे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।